90% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, असलियत है ये। उसका कारण ये है सबसे बड़ा कि कम्युनिकेशन, उसके लिए इतना यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, अंग्रेजी में इतना कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर नॉर्मल टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है तो लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ओवर टाइम मिल जाता है तो आपको और भी एक्स्ट्रा इनकम आती है, आपको पार्ट टाइम के लिए भटकना नहीं पड़ता है कि इधर जा रहे हैं पार्ट टाइम ढूंढ रहे उधर जा रहे हैं। तो अभी लाइफ मैं बताना चाहता हूँ, अभी ये सारी चीज़ें हो गई, अब लाइफ के बारे में बात करता हूँ। तो क्या होता है, यहाँ पे बंदा आता है, ठीक है, 40 घंटे काम करता है, 40 घंटे काम करने पे जो उसकी इनकम होती है, तो आपको ओवर टाइम मिलता है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल रहते हैं, किसी किसी कंपनी में 1.5 देती है, 1.5 मतलब अगर आपका आवरली रेट 5.5 यूरो है तो आपको उसका 1.5 गुना मिलेगा एक घंटा अगर आपने काम किया तो। पार्ट टाइम में कैश इन हैंड मिल जाना है, सबसे अच्छी चीज़ ये है, कैश इन हैंड मतलब वीक। और यहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, जो रिस्पेक्ट मैनेजर को मिलती है वो रिस्पेक्ट क्लीनर डिशवॉशर को मिलती है, ऐसा दूसरी जगह पे नहीं है कि हाँ अरे ये तो बर्तन धो रहा है यार, ये क्या है यार। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो हियर इन माल्टा। सो गाइस, शाम का टाइम है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, काफ़ी दिनों बाद इतना ठंडा ठंडा लग रहा है। वैसे टेम्परेचर यहाँ पे 41 डिग्री सेल्सियस तक गया, ऐसा बाइक लेके बाहर निकलने पे नॉर्थ इंडिया वाली फीलिंग आ रही थी, ऐसी स्किन जल रही थी ना, बट आज काफ़ी पता नहीं क्या है, आज मैं 4 बजे बाहर निकला था, टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं था और काफ़ी ठंडा फील हो रहा है, तो सोचा एक वॉक कर लूँ और आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस कर लूँ एक टॉपिक पे और थोड़ी इन्फॉर्मेशन जिससे आप लोगों को मिल सके। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, हिट द सब्सक्राइब बटन और जाके मेरा इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर आपका रिप्लाई देता हूँ, मैं मतलब उसमें आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपकी कोई क्वेरी है उसको आंसर करूंगा। और आपको अगर अपनी फ़ाइल बनवानी है वो भी मैं बनाता हूँ, आप मेरे से फाइल रेडी करवा सकते हो माल्टा से रिलेटेड, अगर आप सबमिशन करने जा रहे हो एंड आपको अपना CV कवर लेटर बनवाना हो तो वो भी आप बनवा सकते हो, मुझे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ऑल राइट, विंडी है थोड़ा सा, एक जगह पे रुक के बात करूंगा क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो गाइस, टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे माल्टा में क्लीनर की लाइफ कैसी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सैलरी क्या है, जॉब कैसे लगती है, क्या क्या जॉब करता है, ओवर टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, पार्ट टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्लीनर जो भाई लोग हैं अपनी क्लीनर की जॉब पे यहाँ आना चाहते हैं। तो क्या सब कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, कितना पैसा मिलता है, सब कुछ A to Z इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो एंड बात करते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। तो 60-70% जो लोग होते हैं जो क्लीनर जॉब के लिए जाते हैं वो जाते हैं कंसल्टेंसी के थ्रू, 70% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, असलियत है ये। उसका कारण ये है सबसे बड़ा कि कम्युनिकेशन अच्छा ना होना, तो कम्युनिकेशन अच्छा ना होने के कारण वो थोड़ा पैसे वैसे दे के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि एक बुरी बात नहीं है। अगर आप कहीं जाना चाहते हो, अपना फ्यूचर कंप्लीट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, कुछ अच्छी चीज़ देख रहे हो और उसके लिए अगर थोड़े पैसे देने पड़ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, मेरे लिए तो बहुत सही है, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो लोग थोड़ा सा पैसे देते हैं और पैसे दे के यहाँ पर आते हैं। तो और कुछ लोग होते हैं तो 30% लोग होते हैं, 30-40% लोग होते हैं वो डायरेक्टली जॉब के लिए आते हैं। तो डायरेक्टली जॉब के लिए आने पर भी उनको बहुत सारे बेनिफिट है और कंसल्टेंसी के साथ आने पर भी बहुत सारे बेनिफिट है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सो क्लीनर या हाउसकीपिंग या हाउसकीपिंग अटेंडेंट या मतलब ये ऐसी साफ़ सफाई वाली जो जॉब्स होती हैं ना, अगर उसके लिए कोई यहाँ पे आता है ना तो उसके लिए इतना यहाँ पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, अंग्रेजी में इतना कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर नॉर्मल टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है तो लोग यहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद में अच्छा खासा अपना पैसा कमाते हैं, सबसे अच्छी बात ये है यहाँ की। तो अगर कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं तो उनका क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। कंसल्टेंसी के थ्रू आ गए, काम करना चालू कर दिया, तो उनको जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है वो 40 आवर्स पर वीक का ही होता है। तो अगर 40 आवर्स पर वीक जॉब देनी तो कंसल्टेंसी क्या कर दी, एक जॉब एक जगह दे दी, दूसरी जॉब दूसरी जगह दे दी, तीसरी जॉब तीसरी जगह दे दी। अगर आवर्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो बेसिकली आपको इधर उधर दो चार जगह जॉब दे के आवर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करती है कंसल्टेंसी, जो कि अच्छी बात है। और कंसल्टेंसी के थ्रू आपको एक और बेनिफिट रहता है कि आपको ओवर टाइम भी मिल जाता है, ओवर टाइम मिल जाता है तो आपको और भी एक्स्ट्रा इनकम आती है, आपको पार्ट टाइम के लिए भटकना नहीं पड़ता है कि इधर जा रहे पार्ट टाइम ढूंढ रहे उधर जा रहे पार्ट टाइम नहीं ढूंढ रहे हैं। तो ओवर टाइम मिलना बहुत अच्छी बात है और आपके पास जॉब का एक सिक्योरिटी रहती है कि यहाँ कंसल्टेंसी के थ्रू आए हो
तो यहाँ पे कोई काम की ज़रूरत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कंसल्टेंसी आपकी टेक केयर करेगी, आपको बताएगी कि हाँ ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। यहाँ की मॉल्टीज कंसल्टेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बाहर कहीं को कुछ नहीं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ आएंगे तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से आपको वो अच्छी तरह से हैंडल करेंगे और आपकी जॉब का कोई भी इशू होगा तो वो सॉल्व करके देंगे। और जो 40% जो लोग होते हैं, जो 30-40% लोग होते हैं जो डायरेक्ट जॉब के लिए आते हैं, तो डायरेक्ट जॉब के लिए थोड़ा सा पैसा ज़्यादा होता है, बट थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है। आपको जो आवर्स मिलेंगे वो आवर्स उसी कंपनी के थ्रू डायरेक्टली मिलेंगे। अगर आपके आवर्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो वो आपकी लीव से कटेंगे आवर्स, जो आपकी छुट्टी के। माल्टा का एक रूल है कि यहाँ पे 193 पॉइंट समथिंग आवर्स जो होते हैं साल में आपको वैकेशन के लिए मिलते हैं, और उसके बाद आपको जैसे किसी वैकेशन दिन वाले दिन काम किया, मतलब छुट्टी पे जाने के लिए मिलते हैं ये 193 आवर्स। अगर मान लो आपने कहीं पे काम किया, आज हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे, तो उस दिन आपने काम किया तो उसका एक एक्स्ट्रा छुट्टी आपका बनेगा, क्योंकि आपने छुट्टी वाले दिन काम किया तो एक्स्ट्रा छुट्टी बनता है। तो इस तरह से करके वो सारे बेनिफिट जो आपके रहते हैं, अगर आपके 40 आवर्स कंप्लीट नहीं होते तो उसमें से वो छुट्टी काट के आपको पैसा पे करते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपके पास छुट्टी नहीं बचेगी तो आप वैकेशन के लिए कैसे जाओगे। तो और लेकिन डायरेक्ट जॉब का बेनिफिट ये है कि आपको डायरेक्ट इनकम मिल रही है, डायरेक्ट किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आपका काम हो रहा है सारा और यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट जॉब, जो भी डायरेक्ट जॉब के लिए आते हैं उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। कंसल्टेंसी क्या होता है, वो ले लेती है कोई भी इंग्लिश विंग्लिश की प्रॉब्लम भी हो गई तो ले लेती है थोड़ा बड़ा पैसा, क्योंकि पैसा लेके वो आपका काम करा रही तो उनको लेना बनता है, वो ले लेती है, उसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट जॉब में क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। पहली बात, सबसे पहले अगर आप बात करेंगे, इंटरव्यू आपका होगा तो सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन देखेंगे। अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, और वहाँ से फिर आप मूव भी हो सकते हैं। मूव हो सकते हैं मतलब अगर आप मान लो क्लीनिंग की जॉब के लिए आए, आपका अच्छा काम है कुछ है, तो वहाँ से आप दूसरी पोजीशन के लिए भी फॉरवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी लाइफ मैं बताना चाहता हूँ, अभी ये सारी चीज़ें हो गई, अब लाइफ के बारे में बात करता हूँ। तो क्या होता है, यहाँ पे बंदा आता है, ठीक है, 40 घंटे काम करता है, 40 घंटे काम करने पे जो उसकी इनकम होती है 900 यूरो से 1000 यूरो, बस यही है इनकम, 900 यूरो से 1000 यूरो उसको इन हैंड मिलते हैं, ठीक है। काम वाम करने के बाद, सब कुछ करने के बाद 800 से 1000 मैं बोलूँगा मिल जाते हैं इन हैंड। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, डिपेंड करता है कंसल्टेंसी के ऊपर, डिपेंड करता है सारी चीज़ों के ऊपर, आपके 40 आवर्स पर वीक के, जिसमें 8 घंटे डेली की जॉब रहती है। और तो इसके आपको मिलेंगे महीने में 800 से लेकर 1000, ठीक है। उसके बाद आपका ओवर टाइम आता है, अगर आप लोग मान लो कुछ एक्स्ट्रा काम किया तो आपको ओवर टाइम मिलता है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल रहते हैं, किसी किसी कंपनी में 1.5 देती है, 1.5 मतलब अगर आपका आवरली रेट 5.5 यूरो है तो आपको उसका 1.5 गुना मिलेगा एक घंटा अगर आपने काम किया तो, ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा पैसा मिलता है तो। अगर मान लो 4 घंटे काम किया आपने तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, ठीक है, इसे डेली 4 घंटे काम एक्स्ट्रा कर लिया, 4 घंटे ओवर टाइम कर लिया। बिजी टाइम में, समर टाइम में बहुत बिजी होता है हॉस्पिटैलिटी में, तो अगर हर डेली 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे तो महीने के 1200-1400 यूरो तो कहीं नहीं गए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है यार। इससे इस पोजीशन पे आके आप 1400 यूरो यहाँ पे कमा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड देन सेकेंडली बंदा क्या करता है, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढता है। पार्ट टाइम में जैसे किसी रेस्टोरेंट में पकड़ लिया, किसी कैफे में पकड़ लिया, क्लीनर्स वगैरह की यहाँ पे ज़रूरत होती, तो ये जॉब पार्ट टाइम जॉब ईजिली मिल जाती है। तो अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, कहीं पर इन द सेंस किसी कैफ़े गए, आपने वहाँ बात करी कि हाँ मुझे ये जॉब आती है, मैं क्लीनिंग की जॉब ढूंढ रहा हूँ या डिशवॉशर की जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो वो ईजिली आपको दे देते हैं। तो वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने के बाद में भी आपको वो ऊपरी इनकम हो जाती है, और पार्ट टाइम में कैश इन हैंड मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, कैश इन हैंड मतलब वीकली आपको सैलरी मिल जाती है, कहीं कहीं डेली आपको दे देते हैं। मैं मतलब आज आपने 5 घंटे काम किया तो 5 घंटे का आपका डेली पैसा दे दिया। मान लो आपकी छुट्टी है, पार्ट टाइम में काम कर रहे हो आप, ठीक है, पार्ट टाइम में काम करने के दौरान में आपको वो पैसा दे दिया हैंड टू हैंड, तो बहुत अच्छी बात है। आपको पैसे की ज़रूरत है, कोई टैक्स नहीं कटा, कुछ नहीं कटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको डायरेक्ट इनकम हाथ में आ गई, पॉकेट में डाला, अपना जो खर्चे हैं वो किया, बाकी अपनी रेगुलर जॉब तो चली रही है 40 घंटे वाली। 40 घंटे के बाद जो पैसा बच, 40 घंटे के बाद जो टाइम बच रहा है वो अपने पार्ट टाइम में दे दिया, पैसे कमाए और आराम से पॉकेट में डालें, अपनी लाइफ बिंदास ही रही। अब खर्चे क्या होते हैं, खर्चे आपका मंथली 100 यूरो खाने पीने का, मान लो सब इकट्ठा ग्रुप में रहते हैं तो खाने का 100 यूरो मान लो, ईजिली खाने का 100 यूरो लग गया, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद दूसरा खर्चा क्या है, आपका जो डेली ज़रूरतें हैं उसका 50-100 यूरो मान लो, वो हो गया, तो महीने का 200-250 यूरो में लेके चलता हूँ आपका खर्चा हो जाएगा। तो मान लो अगर आप 1000 यूरो कमा रहे हो अपनी रेगुलर जॉब से, उसमें से 250 खर्चा होता है, तो आपके पास कितना बचा, 750।
750 आपको इन हैंड बचा, बाकी आप ओवर टाइम करके या पार्ट टाइम करके भी पैसा कमा सकते हो। तो महीने का एक क्लीनर आराम से, सच्चाई बता रहा हूँ, 1200, 1300, 1400 आराम से कमा लेता है। ठीक है, 1000 के ऊपर ही रहता है, 1000 से 1400 के बीच में कमा लेता है। बहुत मेहनत करने वाला है तो 1500-1600 भी लेके जाएगा। ठीक है, अगर वेटर की जॉब जान गया क्लीनर तो वेटर की काम करने लगा पार्ट टाइम वाली, तो उसमें टिप्स भी कमा ली, वो पैसा अलग से। ठीक है, और ज़्यादातर क्या होता है, जिसमें होटल्स वगैरह रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं उसमें टिप्स ज़रूर शेयर करते हैं। तो अगर आप किचन में भी हो तो आपको थोड़ी बहुत टिप्स मिल जाती है, तो वो थोड़ी ऊपरी इनकम भी हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपको एज अ क्लीनर माल्टा में। और बहुत सारी बातें हैं, हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, कितना हो गया एक मिनट चेक करता हूँ। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो और वो सब चीज़ें हम किसी और उस पर डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और मतलब हर वीडियो में जब इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, बीच बीच में देता रहूँगा। बाकी टैक्स को लेके भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, टैक्स का क्या सिस्टम है, टैक्स को लेके भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। बट आने वाले वीडियोज़ में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे रिलेटेड, जो अगर आप माल्टा आने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिल सके। तो क्लीनर की जॉब के लिए आप आ सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब है और यहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। जो रिस्पेक्ट मैनेजर को मिलती है वो रिस्पेक्ट क्लीनर डिशवॉशर को मिलती है। ऐसा दूसरी जगह पे नहीं है कि हाँ अरे ये तो बर्तन धो रहा है यार, ये क्या है यार ये, छी छी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वही रिस्पेक्ट, वही प्यार सबको मिलता है, वही खाना, वही इज्जत सबको मिलती है। यही सबसे अच्छी चीज़ लगती है, जो ये सारी विकसित कंट्रियाँ हैं इन सब में ये सब चीज़ों को लेकर सफ़र नहीं करना पड़ता है। तो जो कि मानवता एक तरह से दिखाते हैं यहाँ के लोग, तो वो अच्छी बात है यार, एटलीस्ट सेम इज्जत सेम रिस्पेक्ट तो देते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। चाहे वेटर हो, चाहे क्लीनर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे हेड शेफ हो, चाहे जो कुछ हो, सबको एक तरह का समान अधिकार मिले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा तो इतना मानना है कि अगर आप किसी भी साउथ एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या और किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, जहाँ की अर्थव्यवस्था की बात छोड़ दें, मतलब जहाँ पे इनकम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो देश विकासशील हैं, अगर आप इस जॉब को करने जाएंगे ना, 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। यहाँ आके 1,00,000 भी कमा रहे हो ना, अरे मैं कहता हूँ 70-80,000 कमा रहे हो ना, घर में 50,000 भेज रहे हो बाकी सारे खर्चा करके, तो बहुत बड़ी बात है यार। घर से दूर रहना पड़ रहा है आप लोगों को, लेकिन एटलीस्ट यहाँ आके आप सुख में तो रहोगे और पैसे तो कमा रहे हो ना। आफ्टर ऑल मनी मैटर्स इस ज़माने में, इस तेज रफ्तार वाले ज़माने में, जहाँ पे लोग पैसे को ही सलाम करते हैं। पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है, सबको रहती है, हमें, आपको, दुनिया को, तो वो ही मैटर करता है और उसके लिए ही हम जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो किसी काम के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, आप आओ काम करो और इन्जॉय करो अपनी ज़िंदगी, दैट्स इट, और फैमिली को आगे बढ़ाओ, खुद आगे बढ़ो, फैमिली को आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, जाके मेरा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं आप, कॉकटेल साइकोलॉजी। एज आई सेड, मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ इस चैनल पे, एंड एज वेल एज इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी डालता हूँ। मैसेज कर सकते हो, फाइल्स बनानी है, फाइल्स बनाने के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, और यूरोपा CV कवर लेटर भी बनाने के लिए। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप अप्लाइंग, डोंट लूज योर होप, बाय।